हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक थ्योरम के बारे में। इसमें कहा जाता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम कह क्या रहा है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे दो लाइन है, ये दो लाइन आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, तो ये भी एंगल भी प्रूफ है, इक्वल है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर और हम लोगों को प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ए ओ सी, देखिए ए ओ सी इक्वल टू डी ओ बी, ये दो एंगल आपस में इक्वल है, और साथ ही साथ बी ओ सी इक्वल टू डी ओ ए, ये दोनों हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए लेट ए बी एंड सी डी टू लाइन इंटरसेक्टेड ओ, मतलब ये जो फिगर मैंने आपको पहले से बना के दिखाया था, इसको अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट ए बी एंड सी डी टू लाइन इंटरसेक्टेड ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ओ वाला पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ओ डी इज ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अब यहाँ पे गौर करिएगा, ओ और डी, देखिए ये जो ओ है और ये जो डी है, एक रे है ना, कहाँ पे ये रे बन रहा है, ये ए बी लाइन पे एक रे बन रहा है ओ डी। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, इस रे के कारण जो दो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ बी, ये जो रे बन, ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे है, तो अब ये एंगल और ये एंगल को हम जोड़ेंगे तो इसका सम कितना होता है, 180 होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट उसी प्रकार से अब देखिए ओ ए, मतलब पहले हम लोग क्या किए कि इसको पकड़े ना, ए बी को एक स्ट्रेट लाइन पकड़े और ओ डी को एक रे पकड़े, अब हम लोग क्या पकड़ रहे हैं कि सी डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर में ओ और ए एक रे है, तो इसके अनुसार भी इसमें भी लीनियर पेयर आएगा, तो इसका लीनियर पेयर क्या है, ए ओ डी है और ए ओ सी है, तो इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, और अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, इस प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये एंगल है ए ओ डी प्लस डी ओ बी, ये बराबर है ए ओ डी प्लस ए ओ सी के, क्यों, क्योंकि इनका राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है 180 180, ये आपका इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो ये आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू नहीं है, आर एच एस वैल्यू आर इक्वल, ये आर एच एस वैल्यू दोनों साइड का इक्वल है, तो इस कारणवश क्या होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इक्वल हुआ तो देखो क्या हो जा रहा है, ए ओ डी एंगल इधर भी है, ए ओ डी एंगल इधर भी है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना, अब बचा क्या, बचा है एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, दैट मीन्स ये एंगल को हम लोग इस साइड लेके आ गए, इस एंगल को इस साइड लेके आ गए, तो क्या हो गया, एक प्रूफ तो हम लोगों ने कर दिया जो हमें दिखाना था कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू डी ओ बी है, और यही फंडा हम लोग यूज करके दूसरा जो एंगल है बी ओ सी इक्वल डी ओ बी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल लिख दीजिएगा, सिमिलरली इट कैन बी प्रूफ दैट बी ओ सी इक्वल टू डी ओ ए। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए।